सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RBSC 2023 के लिए एक जो मॉडल पेपर है, गैस पेपर फॉर साइंस स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम उसका। तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसीलिए आप इसको देखिए और इस पर डिस्कस करिए अच्छे से। हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्र की योजना जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उद्देश्य हेतु अंक बार, जो हमारे ब्लू टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो उद्देश्य होते हैं कि क्या क्या आपको पेपर को सॉल्व करने से क्या क्या आपका लर्निंग होनी चाहिए, तो ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इन सब का इतना परसेंटेज है। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल व्यू हम देख लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार वार, किस टाइप के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी और कितना इनका जो नंबर वेटेज रहेगा वो सारा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो विकल्प योजना है, मतलब जो और अथवा वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसमें आएंगे, निबंधात्मक प्रश्नों में। प्रश्न पत्र की जो योजना है, जो आपकी सारी चैप्टर्स है 12th क्लास के, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर से कितना नंबर वेटेज है, कितना परसेंट आया उसका, ये सारा दे रखा है। और ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आपको सारा बता रखा है इसमें। नेक्स्ट, ये पूरी जो आपकी केमिस्ट्री की 12th की बुक है उसका पूरे सारे चैप्टर्स का बता रखा है। और जो 19 व 20 में एक आंतरिक विकल्प है, जो सबसे लास्ट जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके अथवा का ऑप्शन आएगा और बाकी में नहीं आएगा, ठीक है। कोष्टक में भार की संख्या, ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल दे रखा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जामिनीज के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह सही लिखें और ये आपको एक ही कॉपी मिली जाएगी। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, मतलब कोई एक क्वेश्चन है, जैसे साइंस में अपने ज़्यादातर पार्ट्स में आता है क्वेश्चंस, तो जैसे एक क्वेश्चन के चार पार्ट है, तो आप चाहे एक क्वेश्चन एक जगह कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें जैसे एक क्वेश्चन के चार पार्ट है, 1 2 3 4, तो ये चारों पार्ट आप एक ही जगह करें। क्वेश्चन आप कोई सा भी कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन के जो चार पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं वो आप एक ही जगह करें। ऐसा नहीं इसका एक पार्ट एक जगह कर दिया, दूसरा पार्ट दूसरी जगह कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। और हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा अगर कुछ एरर होती है तो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, खंड ए, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। तो सेल के संबंध में सत्य कथन है, तो सेल आप सभी जानते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल, तो सेल के बारे में आपको बताया जाना है यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सेल आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हैं। मरकरी सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है, निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को उत्क्रमित किया जा सकता है और इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, मतलब सेल्स को पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप जानते हैं देखो सेल दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, या जिसे हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बोलते हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिसे आपने एक बार यूज़ कर लिया तो वापस से उसको यूज़ नहीं कर सकते, और जो सेकेंडरी सेल होता है तो एक बार आपने यूज़ कर लिया दोबारा उसको आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, तो दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया, तो मरकरी सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण की बात बिल्कुल सही है। निकल कैडमियम सेल जो होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी बैटरी होती है, निकल कैडमियम है, लिथियम आयन है, ठीक है, तो ये सब कौन सी होती हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं जिन्हें दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है डिस्चार्ज होने पर। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को उत्क्रमित नहीं, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड कैथोड, तो जो दोनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता और इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो इन्हें पुनः चार्ज मतलब यहाँ पर जो सेल पूछा गया है प्राइमरी, कौन सा पूछा गया है, प्राइमरी के लिए पुनः चार्ज किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये आएगा कि प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता,
ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली नहीं लिखा, इसे इसे का मतलब है यहाँ पर जो जनरल सेल, तो जनरल सेल मतलब प्राइमरी सेल के बारे में बात की जा रही है। तो मर्करी सेल है इसका उदाहरण प्राथमिक सेल का, और कौन से हो सकते हैं, लेक्लांशी सेल हो सकता है, डेनियल सेल हो सकता है, और जितने भी ड्रायर सेल्स है वो सब किसके एग्जाम्पल है, प्राथमिक सेल के। जैसे आप जो घड़ी में यूज, वॉचेस में यूज करते हो, एक बार हो गया यूज, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। इसमें आंसर जाएगा अ। नेक्स्ट, आरएनए समीकरण का सही रूप है, ये आरएनए इक्वेशन आप पढ़ते हैं, तो इसका जो सही रूप है, तो आरएनए इक्वेशन साइंटिस्ट ने दी थी, किसने, आरएनएस ने, किस किसके बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर, ये आरगेस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, तो ये क्या होती है, ए इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर टी, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है जब आप इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं तो उसमें ये आता है। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपको दे रखा है, रेट इक्वेशन दे रखी है, तो अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, तो ऑर्डर आपसे पूछा गया और आपको क्या दे रखी है, रेट इक्वेशन, तो आप इजीली बता सकते हैं, जो कोटि होती है, ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, इनकी जो पावर होती है, मान लीजिए यहाँ पर n1 है, ये n2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2, क्लियर। तो जो रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं, इनकी जो पावर होती है, इनका जो सम होता है, वही क्या होता है, ऑर्डर। तो ए की कितनी है, हाफ, और बी का कितना है, टू, तो टू प्लस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, किस प्रकार के अयस्कों को केंद्रित करने के लिए झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ फोर्स आर सेंट्रलाइज्ड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, तो इसमें आपका आंसर आएगा यहाँ पर सल्फाइड अयस्क, फॉस्फेट अयस्क, सिलिकेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। तो जो ये झाग प्लवन विधि स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए, तो ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैरोस अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो डिफरेंट टाइप के आपको इनऑर्गेनिक एसिड्स दे रखे हैं, कार्बनिक अम्ल दे रखे हैं, तो H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO5 को हम बोलते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी का नाम है कैरोस अम्ल, ठीक है, H2S2O7 को क्या बोला जाता है, ओलियम अम्ल या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो H2SO4 की हम इनकी फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर पता होती है तो और क्लियर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर S है, ठीक है, तो H2SO4 है ना, तो ये हो गया आपका H2, देखिए H2SO4, तो इस टाइप से रहता है ये। H2SO3 में क्या होगा, ये वाला एक O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, क्यों बोलते हैं ऐसा, ये जो अस है और ये इक, ये क्या है, पीछे लगने वाले अनुलग्न, तो यह जो है अनुलग्न सफिक्स हैं, ये कब लगाए जाते हैं, जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है, ठीक है, दोनों में से देखो इसमें कितनी हो रही है, यहाँ पर हो जाएगी 4 और यहाँ पर कितनी हो रही है 6, तो जो कम वाली ऑक्सीकरण अवस्था है उसके लिए क्या बोला जाता है, पीछे क्या लगाया जाता है, अस, तो ये हो गया सल्फ्यूरस। ये सबके लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जैसे फॉस्फोरस के हैं, ठीक है, प्लम्बस के हैं, और भी किसी के भी हों, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरस और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक। H2SO5 इसको बोलते हैं परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ दो तो यही होंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्डेड होगा और एक यहाँ पर परोक्सी आ जाता है, तो देखो H2 हो गया H2S1234 5, H2SO5 इसको कैरोस अम्ल बोला जाता है, और H2S2O7 मतलब जब सल्फ्यूरिक, H2SO4 में क्या मिला देते हैं हम SO3, ठीक है, तो देखो H2 यहाँ गया H2 और O7, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ओलियम, ओलियम नाम भी इसका है, तो ये ध्यान रखें। और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इस टाइप से होती है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है दो सल्फर के, ये डबल बॉन्डेड और एक OH, इधर से ये दो डबल बॉन्डेड और एक OH, तो इन सब की ये स्ट्रक्चर्स भी आपको बता दी है और इनको क्या नाम है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट, NiCO4 में संग्रह हाइब्रिडाइजेशन है, तो SP-SP2, DSP2, SP3, तो यहाँ पर देखिए जो Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आएगी, Ni की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि जो CO है वो क्या है, उदासीन लिगैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 3D8 है, लेकिन CO जो है वो क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आपको, पहले जो निकिल है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था में इस कॉम्प्लेक्स में, क्यों, क्योंकि जो CO है वो क्या है, उदासीन लिगैंड है, पहली बात। दूसरी बात, जो CO है वो प्रबल लिगैंड है, CO क्या है, प्रबल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड की वजह से जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे Ni में 3D8 4S2 में, तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके बचेगा 1S और 3P खाली मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो संकरण जाएगा इसका कितना हो जाएगा, वैसे भी Ni क्योंकि एक लिगेंड क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
ठीक है ना, एन आई थ्री डी एट फोर एस टू वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, थ्री डी एट फोर एस टू, फोर एस टू ये थ्री डी एट हो गया, ये फोर एस टू हो गया, ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री डी एट है ना, फाइव हो गया, सिक्स सेवन एट ये हो गया, तो प्रबल लिगेंड की वजह से यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो ये वाला पेयर्ड हो जाएगा, इधर से ये वाला पेयर्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आफ्टर पेयरिंग, वन टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो पूरा पेयर्ड हो जाएगा, ये एस खाली हो गया और आगे तीन पी खाली है, तो ये एस और ये तीन पी, तो यहाँ पर जो सीओ लिगेंड है वो यहाँ पर ओवरलिप्ड हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस टाइप से इसमें जो जो संकरण जाएगा वो क्या होगा, एस पी थ्री। नेक्स्ट, एल्कलो का क्वथनांक एल्केनो से अधिक होने का कारण है, एल्कोहल और एल्केन की बात की जा रही है, एल्कोहल क्या होता है ROH और एल्केन आप जानते हैं RH या RR, ठीक है, तो द रीजन बिहाइंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स देन एल्केन, तो वॉन्डरवॉल बल, सहसंयोजक बल, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सिंपल सा रीजन है, आप सभी जानते हैं एल्कोहल में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर OH है और तो यहाँ पर OH जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, तो ये दूसरे अल्कोहल से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, उसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है, जबकि एल्केन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। वंडरवॉल फोर्स होता है वो तो वीक अट्रैक्शन है, ठीक है, सहसंयोजक बंध तो है ही है, लेकिन क्वथनांक बढ़ने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, जो अल्कोहल में है बट एल्केन में नहीं है। नेक्स्ट, जलयोजन क्षमता का घटता हुआ क्रम, जलयोजन, जलयोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, HOH, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है, तो सबसे पहले तो जलयोजन, जलयोजन मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, ठीक है, नाभिक स्नेही यहाँ पर जुड़ेगा कहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप पर, तो यहाँ पर देखें यह जो कीटो ग्रुप है इसके पास दो दो R समूह है एक तरीके से, इधर भी इधर, ठीक है, तो यहाँ पर जो कीटों के जलयोजन क्षमता तो कम होगी कंपेयर टू एल्डिहाइड, क्यों होगी, इसका रीजन समझ लीजिए, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ दो दो R लग रहे हैं, दो दो एल्किल ग्रुप लग रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ऊपर नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये दोनों R कौन से, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जिससे इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ पर इजीली नाभिक स्नेही आकर नहीं जुड़ेगा, नाभिक स्नेही मतलब OH माइनस, यहाँ पर जलयोजन नहीं होगा इजीली, ठीक है, तो ये दोनों कीटों का तो कम होगा किससे, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड में ये रहा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में तो एक तरफ क्या होता है, H होता है, दूसरी तरफ R है, तो थोड़ा इससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही कंपेयर टू कीटोन इजी होगा, ठीक है, तो इन दोनों में होगा, अब इन दोनों में भी देखो एक में क्या लग रहा है, Cl लग रहा है आगे, एक में सी एल लग रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम जानते हैं जो माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, और जो प्लस आई वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो जो माइनस आई वाले वो क्या करेंगे, यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और यहाँ पर कोई भी माइनस आई वाला इफेक्ट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या बढ़ाएंगे, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही इजीली आकर अटैक करेगा, जलयोजन इजीली हो जाएगा, तो ऑप्शन जाएगा सर, देखो बी सबसे ज्यादा, पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन में कर लिया हमने कि एल्डिहाइड ज्यादा होगी, अब एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड होगा, कौन सा ज्यादा होगा, जो जहां पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए, और इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा, डी पहले हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप, माइनस आई वाले ग्रुप जो जितने भी ज्यादा होंगे उतनी जल्दी नाभिक स्नेही आकर उस पर एडिशन करेगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है, तो आपको ध्यान रखना है जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, एमिनो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदल देता है, ठीक है, जो एमिनो अम्ल है वो क्या है, प्रोटीन की एकलक इकाई है, एक तरीके से बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़कर, पहले दो एमिनो अम्ल जुड़ेंगे डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर तीन जुड़ेंगे और बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, और बाकी जो लाइपेज एंजाइम है वो तो क्या करता है, फैट के ऊपर फैट को विघटित करता है, ठीक है, माल्टेज का भी यूज में होता है, जब हम ग्लूकोज, जब दो अणु ग्लूकोज के माल्टोज बनाते हैं तो वहां पर माल्टेज यूज होता है। जो रेनिन है वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंट्रोल बनाकर रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बनाकर रखता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए,
ठीक है, तो ये चार रिक्त स्थान फिंदा ब्लैंक से आपके, जिसमें जो हर रिक्त स्थान है वो भी एक एक नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहला, प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में अर्धायु के 3.3 गुणा समय लगता है। आंसर आ गया है आपका, लेकिन ये आंसर डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते बिना सॉल्व किए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए अगर हम पी हाफ का फॉर्मूला है वो हमको पता होता है 0.693 डिवाइड बाय के, ठीक है। हमको यहाँ पर दे रखा है टी 90% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है। टी 90% क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 100 थी, अब 90% पूरा हो गया तो मतलब कितना हो गया 10। तो ये यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू, ये 10 हो जाएगा और ये आ गया 2.303 के, ठीक है। अब ये जो के है इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख लो टी हाफ से, तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू रखेंगे हम 2.303, ठीक है। इधर से टी हाफ इधर आ जाएगी 0.693 और टी हाफ ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.3। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे 3.3 आ जाएगा। तो जो अर्धायु उसका कितना गुना समय लग रहा है 90% कंप्लीट होने में, 3.3 अर्धायु का कितना गुना, 3.3 टाइम्स गुना। तो इस टाइप से ये दो फॉर्मूले हम इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पिकरी कमलिका IUPAC नेम है। तो पिकरी कमलिका IUPAC नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पिकरी कमलिका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका IUPAC नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं ना, ये फिनोल हो गया, ठीक है। अब 2, 4 और 6 स्थिति पर आप क्या लगा दीजिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, पिकरिक अम्ल, हाईली एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3-3 माइनस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हाईली एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट, SN1 अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती बनता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में 5 सदस्य क्या बनता है। तो SN1 और SN2 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर तो मध्यवर्ती क्या बनता था, कार्बधनायन, और यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बनती है। ये दो स्टेप में होती है, ये सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA वगैरह जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल से, ठीक है। फॉस्फोरिक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उनके बीच में, अगर पूछा जाए तो फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये भी कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हैं ये, तो आपको बहुत छोटे छोटे लिखना है, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें अभिक्रिया की कोटि व अणुकता में दो अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुकता, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभी कोटि का हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, हमने क्या किया था, उनकी जो पावर से उनको जोड़ दिया था। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, तो अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले मतलब जो रेट ऑफ इक्वेशन जो आप लिखते हो वही किसका लिखते हो, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, मेन इस स्टेप को लिखा जाता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या होती है, और ये शून्य भी हो सकती है, अभी हमने देखा था हमारा आंसर आया था 2.5, तो शून्य भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दो ही अंतर लिखने हैं आपको, बहुत सारे 4-5 अंतर होते हैं लेकिन आपको दो ही लिखने, कोई से भी। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, जो इनिशियल स्टेप उसमें कितने भाग ले रहे हैं, क्योंकि एक जो रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेप में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी जो नंबर है वो अणुकता, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और ये कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी कितने अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दो आम इसके आपको डिफरेंस बताने, दो ही लिखने हैं तो आप दो कोई से भी डिफरेंस लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको रेट इक्वेशन नहीं पता आप इजी डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, तो ये ऐसे इसमें अंतर होते हैं। नेक्स्ट, बहते खून को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं क्यों। आपने जनरल देखा है जब आप शेविंग करते हैं तो वहाँ पर अगर कुछ कट लग जाता है तो आप वहाँ पर फिटकरी यूज करते हैं, ठीक है, एलम। तो क्यों, इसका रीजन देखिए, फिटकरी में धनावेशित Al3+ कण पाए जाते हैं, फिटकरी का एलम का, पोटाश एलम जिसे हम बोलते हैं, K2SO4, Al2SO4 का होल्थ्राइस 24H2, यह आपका किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का, पोटाश एलम भी जिसे हम बोलते हैं केमिकल नेम इसका, जो रक्त के एल्ब्यूमिनोइड ऋणावेशित कणों को स्कंदित कर देता है। जो रक्त है, ब्लड है, वो एक क्या है, कोलोइड है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ना, एल्ब्यूमिनोइड कण होते हैं ऋणावेशित, वो इसको क्या कर देता है, आपस में मिलकर स्कंदित कर देते हैं, ठीक है, स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है, क्लोटिंग हो जाती है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पर आपसे कौन सा पूछा गया है, एन टाइप। ठीक है, तो देखिए 14वें वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 14वें वर्ग के एलिमेंट्स हैं इसमें 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो देखिए इसको एन प्रकार का क्यों बोला है, तो 14वां वर्ग है, जैसे कार्बन है इसमें क्या है, चार वैलेंसी होती है इसकी, ये जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने इसमें अशुद्धि किसकी मिला दी, पांचवे की। तो चार को तो ये वैलेंस कर लेगा, लेकिन इसमें तो कितनी है, पांच होनी चाहिए नाइट्रोजन की, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप। और पी टाइप में पी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या आ जाते हैं, हॉल आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाता है वहां पे। वहां पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, 14वें वर्ग में, 14वें में हम किसको मिलाते हैं, 13वें वर्ग की करते हैं। तो 14वें में पहले से कितनी होती है, चार, लेकिन आप 13वां वर्ग मिला रहे हो तो उसमें कितनी चाहिए, तीन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक खाली रह जाता है, यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा आ गया था, वहां पर एक खाली रह जाता है, तो हम वहां पर एक हॉल आ जाता है, वहां पॉजिटिव आ जाता है, मतलब उसमें चार है लेकिन तीन ही पूरी करनी है। आपने बोरोन मिला दिया जैसे, तो ये तो तीन ही करेगा ना, तो एक खाली रह गया, तो एक खाली रह गया, तो उसको बोल देते हैं होल, और इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पी टाइप। तो एन टाइप, पी टाइप, इसमें कौन सी डॉपिंग कर रहे हो आप, होगी किसमें, 14वें वर्ग के तत्व में, 14वें में 15वें की कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे एन टाइप। 14वें में अगर 13वें की कर रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे, होल, पी टाइप। नेक्स्ट, H3PO4 की संरचना उसकी क्षारकता के आधार पर बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब बेसिसिटी ऑफ H3PO4 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर के आधार पर बतानी है। तो इसके देखिए आप, H3PO4 को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें कितने हैं, तीन OH बॉन्ड है, तो क्षारकता इसकी कितनी हो जाएगी, तीन। देखिए अर्थात त्रिक्षारकीय यौगिक, तो इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं उसी के आधार पर बेसिसिटी क्षारकता बताई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हम सल्फ्यूरस है, सबकी हम जो स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल्स बनते हैं, सल्फर के बनते हैं, नाइट्रोजन के बनते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर हम इनकी बेसिसिटी बता सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तीन, क्योंकि यहाँ पर तीन OH ग्रुप रिप्लेसिबल है। नेक्स्ट, SO2 अपचायक है जबकि TeO2 टेलुरियम ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, क्यों, क्या रीजन है इसका, एक्सप्लेन वाई SO2 इज रिड्यूसिंग एज एन बट TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग। तो देखिए यहाँ पर जो SO2 है ना, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 से +6 तक जा सकती है, क्योंकि SO2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 से +6 जा रही है, +4 से +6 जा रही है, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, +4 से +6 गई, मतलब और बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इसलिए ये आसानी से अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा सकता है क्योंकि इसके पास खाली कक्षक उपस्थित है। जबकि जो टीई होता है टेलुरियम, ये एक भारी तत्व है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, पी ब्लॉक के जो भारी तत्व होते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, भारी तत्व मतलब उनके परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, तो भारी तत्व जो पी ब्लॉक के भारी तत्व है, हैवी एलिमेंट्स है, उनमें कौन सा प्रभाव पाया जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है इसमें, इनका जो एस कोश होता है वो बहुत अंदर होता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके कारण ये अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा नहीं पाते, मतलब ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्थायी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, भारी पी तत्वों के लिए, पी ब्लॉक के जो भारी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंदर के एस कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अक्रिय रहते हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ नहीं पाती है। इसलिए ये तो क्या हो गया, SO2 तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा एक ही वर्ग में। तो आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम लिखना है, बहुत सिंपल सा है। तो IUPAC नेम देखो, डबल बॉन्ड इधर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की है जो चेन है वो, तो हैग्स, 1 इन 1 और 2 में से किसको लेते हैं, शॉर्ट नंबर को, तो 1 आ जाएगा इन और 3 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है स्पष्ट कीजिए। फिनोल, फिनोल में कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है तो भी ये दुर्बल अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन देखिए, फिनोल प्रोटोन त्यागने पर
अम्लीय प्रकृति को हम कैसे शो करते हैं कि कौन इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है, तो फिनोल में जो ये एच है, ठीक है, जब इसने एच को त्याग दिया, डोनेट कर दिया, तो ये क्या बना, फिनोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। ये देखिए यहाँ पर ये तो ये नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये क्या पूरा अनुनाद दर्शा सकता है, तो यहाँ पर ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये मध्यवर्ती बन रहा है, ठीक है, तो मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, उसके संगत जो क्रिया कारक है वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होता है। मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है उसके संगत क्रिया कारक उतना ही क्रियाशील होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इतना ज्यादा क्रियाशील होगा, मतलब इजीली प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो इसीलिए जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो फिनॉल प्रोटॉन त्यागने पर फिनोक्साइड आयन बनाता है जो अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है, अतः अनुनाद से फिनोक्साइड आयन के स्थायी होने से फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। मतलब इसके त्यागने से एक आपके स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए ये इजीली डोनेट कर देता है। नेक्स्ट, अल्कोहल में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 से कम होता है, क्यों? अल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु में अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये देखिए बात कर रहे हैं अल्कोहल की, ROH, तो ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं उसमें, HOH में भी देखते हैं, CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है एग्जिट। ठीक है, फिर क्या होता है, हम NH3 में देख रहे हैं जिसकी पिरामिड शेप हो जाती है, एक लोन पेयर से 107 हो जाता है। फिर हम H2O में देखते हैं, वहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो और भी कम हो जाता है, 104 105 के आसपास आ जाता है। तो ये जो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप जानते हो सबसे जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो इसलिए यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाता है, इससे 109 डिग्री जो होना चाहिए उससे कम हो जाता है, क्योंकि CH4 के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इन रिपल्शन की वजह से ये कम हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, जिसमें अति लघुरात्मक प्रश्न थे और वो 1 मार्क्स के थे। सेक्शन बी, हम यहाँ पर आएंगे आपके लघुतरात्मक प्रश्न। आयनिक ठोस की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष की तुलना कीजिए। कंपेयर फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो देखिए यहाँ पर ये दो टाइप के सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है उसमें से है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, तो बहुत शॉर्ट सा आपको बता देती हूँ इजीली। फ्रैंकल दोष जहाँ पर ये जो आयन्स होते हैं ना, ठीक है, वो इनके बीच में जगह होती है, स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होते, ये बहुत स्पेस होता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर ही कोई भी एक अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर बीच में, इनको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थानों में स्पेस है जो इनके बीच में, उसमें आ जाता है। ठीक है, और जो शॉर्ट की दोष है उसमें क्या होता है, ये बहुत कंजस्टेड तरीके से जमे हुए होते हैं इस वाले में। ठीक है, तो बहुत कंजस्टेड तरीके से है, तो यहाँ तो इनको आसपास घूमने की जगह नहीं है, तो ये कहाँ चले जाते हैं घूमने, ये बाहर घूमने चले जाते हैं। तो ये बाहर घूमने चले जाते हैं, यहाँ इनके पास जगह है तो ये सोसाइटी में घूमते हैं और ये बाहर चले जाते हैं। तो ये जब सोसाइटी में घूम रहे हैं तो इसको तो बोलते हैं कौन सा दोष, फ्रैंकल दोष, और जब ये बाहर चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं शॉटकी दोष। अब इसको देखिए, जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अपने क्रिस्टल में ही किसी अन्य स्थान पर चला जाए तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, निम्न समन्वय संख्या। निम्न समन्वय संख्या क्योंकि वहां पर लिगेंड जो है उनकी संख्या, आयन्स की संख्या क्या है, कम है, आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। जब धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है तो ये वाला दोष पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, AgBrAgI। नेक्स्ट, शॉर्ट की दोष अभी बताया आपको, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाने वाला रिक्ति का दोष है। इस प्रकार रिक्ति का दोष मतलब जगह खाली हो जाती है, कि क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन दोनों ही समान संख्या में, एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी जाएगा, दोनों सेम जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, अकेला नहीं जाते, समान संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। मतलब उसका उदासीन ही रहेगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव गए तो दो नेगेटिव जाएंगे। इस प्रकार की क्रिस्टल त्रुटि वे आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों का जो आकार है वो लगभग समान होता है। ठीक है, और समन्वय संख्या का मान क्या होगा, उच्च होगा, हाई होगा, कंजस्टेड है। इस प्रकार की क्रिस्टल त्रुटि के फलस्वरूप क्रिस्टल के घनत्व के मान में कमी आ जाती, क्योंकि बाहर निकल गए, वो तो उसी में घूम रहा था, इसलिए घनत्व सेम था किसमें, पहले वाले फ्रैंकल दोष में, जबकि यहाँ पर घनत्व के मान में कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बाहर निकल गए तो उसका जो मास है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, KBr। तो ये शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक क्रिस्टलीय यौगिक M तथा N परमाणुओं से मिलकर बना है, जो नाइट्रोजन है वो HCP बनाता है, ठीक है, हेक्सागोनल।
जबकि एम 2/3 चतुष्फल की रिक्ति भरता है। चतुष्फल की रिक्ति मतलब जब चार परमाणुओं से घिरा है तब उसमें जो स्पेस है, और अष्टफल के जब छह परमाणुओं से घिरा है। यौगिक का सूत्र व्युत्पन्न करना है आपको। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके 1.5 मार्क्स के आते हैं, डेढ़ डेढ़ नंबर के। नेक्स्ट आंसर देखिए इसका, HCP संरचना की एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, परमाणु N HCP संरचना बना रहा है, अतः परमाणु N की संख्या कितनी हो गई? चार हो गई, क्योंकि चार होती है इसके। और जो रिक्तिकों की संख्या क्या होती है, जितने परमाणु होते हैं उसके क्या होती है? डबल होती है। तो कितनी होगी टोटल रिक्तियां? 8 हो गई, 2 × 4। चूंकि चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 भाग को परमाणु अध्यासित कर रहा है, कितने भाग को? 2/3 को। तो परमाणु M की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 2/3। इसीलिए जो N और M का रेशियो क्या होगा, N तो कितने थे परमाणु? चार। और जो N तो कितने थे? चार। और M कितने हो जाएंगे? M हो जाएंगे आपके, अभी हमने निकाला। M की संख्या कितनी हो जाएगी? वो कितने भाग को अध्यासित कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा था जो टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी? 8। और इतने भाग को अध्यासित कर रहा है तो कितने हो जाएंगे ये? 16/3, 16/3। अब इसको आप, ये रेशो है, इसको आप कंप्लीट उसमें चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12:16 और 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अतः यौगिक का सूत्र, एन तो कितने थे? एन तो 4 है ही है, और हमने पहले एम लिख रहे हैं तो एम कितना हो जाएगा? 4 और एन 3। यहाँ पर देखिए एन कितना आ रहा है? 3। यहाँ पर, यहाँ से देखना है आपको कि हम यहाँ पर एन कितना आ रहा है? 3। और एम कितना आ रहा है? 4। तो देखिए एम 4 एन 3। तो आप वहां से कंफ्यूज मत होना कि स्टार्टिंग में जो एन है वो कितने थे? 4। हमको वो वाला चीज नहीं देखनी। आप यहाँ पे फाइनली जो आपका आएगा रेशो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो यहाँ पर M4 मतलब M के कितने हैं? 4। और N के कितने हैं? 3। ठीक है, 3:4। N is to M, 3:4 मतलब N 3 है और M कितने हैं? 4। तो M4 N3 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संरचना कौन सी है। HCP तो आपको ध्यान रखना है, एकक कोशिका में जितने भी प्रकार की एकक कोशिका है उसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, कौन से चतुष्फल की रिक्ति होती है, अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, कितने पार्ट को वो अध्यासित कर रही है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष परिस्थिति है। तो राउल्ट्स का लो क्या था कि P1 = P1 naught x1। जो यहाँ पर P1 naught है वो क्या है? वेपर प्रेशर है शुद्ध अवस्था में। और अगर हम हेनरी का नियम देखें तो वो भी क्या होता है? P1 = KHx। और ये जो KH है इसको क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। तो अगर दोनों इक्वेशन से हम देखें तो KH = क्या आ रहा है? P1। ये दोनों ही क्या है? मोल प्रभाव जो होते हैं x। ठीक है, तो यदि हेनरी स्थिरांक जो वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो ये राउल्ट का नियम हेनरी का नियम ही है। दोनों सेम ही है। कब, कौन सी कंडीशन पर, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक ही नंबर में क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल हमको नहीं जाना। आप दोनों की इक्वेशन लिख दीजिए और यहाँ पर इसको इक्वल कर दीजिए। अगर जो हेनरी नियतांक है वो किसके बराबर हो जाए? वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वो राउल्ट का नियम जो है वो हेनरी का नियम ही है। नेक्स्ट, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है? ये आधे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में या तो अधिक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जो उनका नॉर्मल है किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से वो या तो ज्यादा हो जाएंगे या तो उनमें संगुणन हो जाएगा। ठीक है, उन्हें विलेय पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये विलेय पदार्थ के विलयन में संगुणन या आयनन के कारण होता है, या तो जुड़ जाएंगे या डिसोशिएट हो जाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल तो है आपका जो ये होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का हम बेंजीन में देखें तो वो जो उसका अणुभार है वो कितना हो जाता है? 120। क्यों? क्योंकि ये डाइमर बन जाता है एसिटिक एसिड का, दो अणु जुड़ जाते हैं इसमें। तो एक एसिड का कितना होता है? एक एसिटिक एसिड का 60 होता है, दो जुड़ गए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाता है, बढ़ गया मतलब उसका। तो या तो जो मोलर द्रव्यमान है या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो वो एबनॉर्मल हो गया। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जंग लगने पर पहले तो वो नमी के संपर्क में आएगा। जंग कब लगेगी? अगर अंदर है तो उस पर कोई जंग नहीं लगती, जब बाहर खुला हवा में है और वहां पर मॉइस्चर है तो वहां पर जंग लग जाती है। अंदर भी अगर मॉइस्चर है, गीला हो रहा है, तो वहां भी जंग लगने की संभावना होती है। नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण होता है जो एक एनोड अभिक्रिया। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसमें चेंज हो गया? Fe2+ में। और कैथोड पर साथ ही ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन होता है। तो अपचयन का होगा कैथोड पर। तो इस टाइप से ये एक Fe2+ पुनः ऑक्सीकृत होकर Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार जो पूर्ण अभिक्रिया है वो हो जाएगी आपकी Fe। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर है तो ये जो बना है Fe2O3। ठीक है, Fe+2 किसमें चेंज हो जाता है? Fe+3 में। तो ये पुनः ऑक्सीकृत हो गया तो ये जो अभिक्रिया है, पूर्ण अभिक्रिया, ये जो निर्माण हो रहा है इसी को बोलते हैं जंग रस्ट, फेरिक ऑक्साइड।
तो ये जंग है ऑक्साइड्स होते हैं किसके, आयरन के, कब, जब ये नमी और किससे रिएक्शन कर लेते हैं, वायु से, नमी और वायु की उपस्थिति में। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल से रिएक्शन हो गए ना, एनोड और कैथोड दोनों टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स उन पर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट NaCl4 आयन अनुचुंबकीय है और NaCN4 ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। VBT की सहायता से आपको समझाना है, VBT पढ़ते हो या MOTI पढ़ते हो, VACPR पढ़ते हो, तो VBT में ये जो अभी हमने बताया भी था आपको Ni का 3D8 4S2, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये Cl4 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है -4, यहाँ पर ये Ni कौन सी अवस्था में, Ni+2 में है, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसके कौन से निकल जाएंगे, 4s2 वाले, तो Ni+2 आयन में से दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यहाँ पर क्या है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये Cl है, वीक लिगेंड है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, वहां पर जो CO था वो प्रबल लिगेंड था। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति शो करता है। नेक्स्ट आपका देखा गया है NiCN4 में, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है, +2, कैसे, Ni28 है, तो यहाँ पर जो CN है यहाँ Ni+2, तो 2 निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4S0, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो CN है वो क्या है, प्रबल लिगेंड है, तो ये डिफरेंस था दोनों में, वहाँ पर जो क्लोरीन था वहाँ पर वीक लिगेंड था इसलिए पेयरिंग नहीं हुई थी, यहाँ पर प्रबल लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर ये खाली हो गया, यहाँ पर ये युग्मन हो गया, तो उपस्थित CN के प्रबल लिगेंड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण आयन क्या हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि यहाँ पेयरिंग हो जाती है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। नेक्स्ट, एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है, या अगेन सॉलिड में से आ गया आपका, एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, a³ हो जाएगा, अगर भुजा की लंबाई a है एकक कोष्ठिका की लंबाई, और द्रव्यमान अगर बोले तो क्या हो जाएगा, एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है और एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ये टोटल किसका आ जाएगा, पूरी एक कोष्ठिका यूनिट सेल का द्रव्यमान आ जाएगा, तो इसको हमने जेड ले लिया और ये हो गई आपकी एम। एक परमाणु के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो टोटल द्रव्यमान उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, Avogadro नंबर से। तो एक कोष्ठिका का घनत्व हमको ज्ञात करना था, सूत्र किसका पूछा गया, घनत्व का, घनत्व क्या होता है, D=ma/V, तो यहाँ पर m द्रव्यमान कौन सा लेंगे आप, ये वाला एक कोष्ठिका का पूरे का द्रव्यमान लेंगे, Z×m/m, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो m है एक परमाणु का द्रव्यमान, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, और ये क्या होता है m/Na, और जो आयतन है वो क्या होता है a³, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एक कोष्ठिका के घनत्व का। तो हमने सबसे पहले आयतन, क्योंकि घनत्व के लिए हमको क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो ये a³ हो गया, और एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी है, जेड मान ली हमने यहाँ पे, तो इस टोटल का द्रव्यमान आ गया Z×m, एक परमाणु का द्रव्यमान, और टोटल कितने उपस्थित है, तो और एक का द्रव्यमान क्या होता है m/Na, तो इस टाइप से हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, एल्डोल संघनन अभिक्रिया को समझाइए, तो ये 1.5 नंबर का है। जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक के दो अणु संघनन से गुजरते हैं, और जो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, पहली बात अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए एसिड एल्डिहाइड में CH3COH, ठीक है, तो ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो अल्फा एच युक्त ही आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, अगर जिसमें अल्फा एच नहीं है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल C6H5CHO, तो ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी अल्फा एच नहीं है, ये तो फेनिल रिंग है तो उसमें एक भी अल्फा एच नहीं होता है। तनु NOH की उपस्थिति में हम कराते हैं तो यहाँ पर एक अणु से पहले क्या बनेगा, मध्यवर्ती कार्ब ऋणायन बनेगा, ठीक है, सी एक अल्फा एच निकाल देगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा CH2-CHO, दो अणु काम में ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो पहले से सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा कौन, OH-, ठीक है, OH- यहाँ से एच निकालेगा, तो ये क्या बन गया कार्ब ऋणायन बन गया CH2-CHO-। इसके बाद देखिए ये जो नेगेटिव बन गया CH2-CHO, अब इधर से हम कार्बोनिल यौगिक लेंगे दूसरा वाला CH3COH, थोड़ी सी मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं इसकी, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये O नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर आकर कौन जुड़ जाएगा, ये नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करेगा, और कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो ये कैसे जुड़ जाएगा CH3CO- हो जाएगा, ठीक है, CH
ये जो क्या है सी एच था, पॉजिटिव से ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, ये सी एच टू था, सी एच टू सी एच ओ। अब नेक्स्ट स्टेप में किसकी उपस्थिति में, यहाँ से H की उपस्थिति में, तो यहाँ पर H आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। H निकला था पहले, जो H जुड़ जाएगा यहाँ पर, और अब इसके पास वाला जो H है, इसके जो पास वाला H है ये यहाँ से, ठीक है, OH इसके पास वाला H, यहाँ से क्या निकाल देंगे, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो कंपाउंड क्या बन गया, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड ब्यूट टू इनर। नेक्स्ट, कैनिजारो अभिक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल और कैनिजारो दोनों इंपॉर्टेंट है। एल्डोल में हमने क्या लिया था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन रहित या अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड है, जैसे HCHO है, C6H5CHO है, पर 50% NOH विलयन की क्रिया कराते हैं, तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है, और दूसरा अणु किसमें, अल्कोहल में अपचयित होता है, इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मेल्डिहाइड लिए, ठीक है, दो फॉर्मेल्डिहाइड लेकर यहाँ पर इसकी हमने सांद्र KOH या सांद्र NOH से कराएंगे, गर्म करेंगे, तो एक तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया मैथेनॉल, ठीक है, OH में बदल जाएगा, ठीक है, एक तो इसका अम्ल बनेगा, अम्ल का पोटेशियम लवण बन गया HCO के, और एक क्या हो जाएगा, हमने बोला ना एक अणु तो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, तो ये एक तरह से अम्ल का लवण बन गया, अम्ल में बन गया, और दूसरा क्या होता है, अल्कोहल में अपचयित होता है, अल्कोहल में एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है और एक अणु आपका ऑक्सीकृत होता है। जैसे यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड लिया, तो ये बेंजिल अल्कोहल बन गया एक तो, ठीक है, और एक ये सोडियम बेंजोएट बन गया। तो यहाँ पर ये जैसे पोटेशियम लिया है तो ये पोटेशियम का लवण बना दिया, यहाँ पर सोडियम लिया है तो ये सोडियम का लवण बना दिया। तो कैनिजारो में आप ध्यान रखें कि दो आपको कौन से एल्डिहाइड लेने हैं, अल्फा एच रहित, और एक तो किस में बदल जाएगा, एक मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक अणु तो ऑक्सीकृत हो रहा है और एक अणु क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो अपचयन से एल्डिहाइड के अपचयन से तो क्या मिलते हैं, आप एक सीरीज जानते हैं, अगर हम बात करें एल्केन, एल्केन है ना, ठीक है, एल्केन का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल, कार्बोनिल का ऑक्सीकरण करोगे तो मिल जाएगा एसिड, और अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, एसिड के अपचेन से, एसिड के अपचेन से क्या मिलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल के अपचेन से क्या मिलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल के अपचेन से क्या मिलते हैं, एल्केन। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल, तो कार्बोनिल के अपचेन से क्या मिल जाएगा आपको, एल्कोहल, और जिसके ऑक्सीकरण से क्या मिल जाएगा आपको, अम्ल। तो यहाँ अम्ल का लवण बना दिया क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर क्षार यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, वल्कनीकरण किसे कहते हैं, वल्कनीकृत रबड़ की संरचना बनाइए। तो एक टर्म है वल्कनाइजेशन, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक सल्फर या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ जब हम मिला देते हैं किसमें, रबड़ में, तो वो अधिक स्थायी हो जाते हैं, अधिक टिकाऊ पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, और इनको मिलाने से रबड़ में मौजूद जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है वो आपस में क्या हो जाती है, क्रॉस लिंक हो जाती है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो ये वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जो रबड़ में किया जाता है, तो रबड़ में हम गंधक वगैरह मिलाकर उसको अच्छा और स्टेबल बना देते हैं। तो ये जैसे आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन किसकी है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है, नेचुरल रबड़ है, उसकी एक लक इकाई है आइसोप्रीन। तो जब आइसोप्रीन का जो बहुलक है पॉली आइसोप्रीन है, ये प्राकृतिक रबड़ है, इसमें जब हमने ये सल्फर मिला दिया तो इससे इस टाइप की क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर बन गई, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ नायलॉन 6 एंड डेक्रोन जो बहुलक है, इनके एकलक के नाम और संरचना बतानी है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है, 1,3-butadiene, इसमें 2 स्थिति पर मैथिल आ जाता है। नेक्स्ट, जो नायलॉन 6 है, इसकी एकलक इकाई कैप्रोलेक्टम होती है, इसमें 7 मेंबर वाली है, जिसमें 6 आपके क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम है नायलॉन 6। और एक और होता है नायलॉन 6-6 भी होता है, जिसमें एडीपी कम्ल और हेक्सामिथाइलिन डायमिन होता है। नेक्स्ट, डेक्रोन में एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थैलिक अम्ल, ये हो गया आपका टर्थैलिक अम्ल, जिसमें एक बेंजीन रिंग पर अपोजिट साइड पर ये एसिडिक ग्रुप लगे होते हैं, और ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। तो ये एकलक इकाई, ये सब आपस में जुड़कर संघनन के द्वारा क्या बनाती है, बहुलक बनाती है। नेक्स्ट, मिशेल निर्माण की सहायता से साबुन एवं अपमार्जकों द्वारा सफाई क्रिया, ठीक है, जो साबुन और अपमार्जक होते हैं उनसे हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसके क्या, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, जो साबुन का विलयन है उसको हम किसी गंदे कपड़े में मिलाते हैं तो जो साबुन के कण अणु होते हैं वो गोलाकार रूप में एकत्रित हो जाते हैं, दिखती नहीं है प्रोसेस, लेकिन आपने बबल्स वगैरह देखे वो गोलाकार होते हैं, वो मिशेल बनाते हैं। ये मिशेल, इसमें क्या होता है, जो अध्रुवीय भाग है वो तेल अशुद्धि या ग्रीस की ओर होता है, दो भाग होते हैं इसमें, एक तो पोलर एंड होता है, एक होता है आपका नॉन पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जो अध्रुवीय भाग होता है
वो तेल अशुद्धि के साथ और जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल में घुला रहता है, ठीक है। कपड़े को जब हम रगड़ते हैं जल के साथ खंगालते हैं तो ये मिशेल, तो मतलब मिशेल में दो भाग हो गए, एक तो ध्रुवीय और अध्रुवीय। ये मिशेल कपड़ों की सतह से छूट जाते हैं और प्रक्रिया को दो तीन बार दोहराते हैं तो सारे छूट कर अलग हो जाते हैं। ये जैसे कपड़े पर चिकनाई है तो इस पर ये जो साबुन का अणु आ गया है, तो एक ध्रुवीय पार्ट है, ये दो पार्ट में होता है हेड और टेल। जो ये सारा टेल वाला पार्ट है वो कौन सा है, अध्रुवीय है। तो ये अध्रुवीय पार्ट किसके साथ जुड़ गया, चिकनाई के साथ, और जो ध्रुवीय पार्ट है वो वाटर में घुला हुआ है। तो इस टाइप से जब इसको रगड़ते हैं तो ये सारा अशुद्धि निकल जाती है, चिकनाई के बूंद के चारों और साबुन के आयन। नेक्स्ट, औषध के वर्गीकरण के विभिन्न मापदंडों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ठीक है, औषध के विभिन्न प्रकार और उनकी आवश्यकताओं का वर्णन निम्नलिखित है, फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर। जैसे पीड़ाहारी, जब हमारे दर्द वगैरह होता है, पेन किलर हम लेते हैं, एनाल्जासिक जिन्हें बोलते हैं, पीड़ानाशक असर होता है। पूतिरोधी एंटीसेप्टिक्स जो घाव वगैरह लगने पर यूज की जाती है, वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। औषध के प्रभाव पर देखें, ड्रग इफेक्ट, हिस्टामिन यौगिक है जो शरीर में शोथ उत्पन्न करते हैं, जो सूजन आ जाती है, एलर्जिक होते हैं, उसके प्रभाव को किसी एंटी प्रति हिस्टामिन द्वारा कम करते हैं। हिस्टामिन के प्रभाव को कई प्रकार से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, रासायनिक संरचना पर आधार पर भी यूज किया जाता है, जैसे सल्फापिरिडिन है, सल्फाडाइजिन है, ये सब औषधियां हैं। लक्ष्य अणुओं पर जो केंद्रित होती है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स पर जाकर ही वो इफेक्ट को कम करती हैं। तो ऐसी औषध जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लियम अम्लों से अनुन्य क्रिया करती है। तो इस टाइप से ये औषधों का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी, तो ए बी सी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन आ गया आपका सेक्शन सी, तो इसमें देखिए कोलराउस का नियम आपको बताना है डेट नंबर में। तो अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघटे की मोलर चालकता का जो मान होता है, उस वैद्युत अपघटे के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता या अलग अलग मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। अगर हम अनंत अनुता देखें, मतलब बहुत ज़्यादा डायल्यूट कर दिया जाए, तो जो वैद्युत अपघटे की जो मोलर चालकता होती है, जो उसमें धनायन और ऋणायन दोनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये जो लैम्डा टोटल इन्फाइनाइट होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा प्लस इन्फाइनाइट, मतलब अनंत पर धनायन की चालकता और अनंत पर ही ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक है। ये कोलराउस का रूल है, तो आप डेफिनेशन लिख के ये इक्वेशन लिख दीजिए बस। नेक्स्ट, डिबाय हकल ओनसेगर का नियम लिखिए। नेक्स्ट नियम है, प्रबल वैद्युत अपघटे के लिए लैम्डा एम मोलर चालकता का मान देखें, तो तनुता के कारण, क्यों, क्योंकि तनुता बढ़ा रहे मतलब डायल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आयन्स की संख्या, तो तनुता के कारण धीरे धीरे बढ़ता है मोलर चालकता का मान। और इसे हम निम्न समीकरण, तो आपको डायरेक्ट समीकरण देनी है, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ए सी वन अपॉन टू हाफ, इसके ऊपर पावर होती है, एक कांस्टेंट है, सी सांद्रता है और ये सीमांत मोलर चालकता है। और इसका ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अनंत तनुता पर जब आप कॉन्सेंट्रेशन और इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रबल वैद्युत अपघटे के लिए तनुता के कारण इसका जो मान है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग के लिए और ये वीक के लिए ऐसा आता है, इसके लिए ये इस टाइप का कर्व आएगा और इसमें स्ट्रेट आएगा। नेक्स्ट, हमने क्या यूपीएससी नेम बताने हैं आपको, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेज है, इनके आईयूपीएससी नेम बताने हैं। तो पहला है आपका PTNS3, तो यहाँ पर आपको बस क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर देखिए डाइएमीन क्लोराइडो या क्लोरो भी बोल सकते हैं, और नाइट्राइटो, ठीक है, NO2 प्लेटिनम, तो ये हो गया प्लेटिनम, लास्ट में हम लिखेंगे। इधर कोबाल्ट और NH3 है, तो पेंटा एमीन, आपको ये सब ध्यान रखना है। आगे आप अल्फाबेटिकल यूज करते हैं, और ये जो लिगेंड है, तो यहाँ पर कार्बोनेट हो गया कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, ये नेगेटिव है बाद में इसलिए। नेक्स्ट ZnFeCN6, तो देखिए जिंक हेक्सा साइनो, ये साइनाइड है, फेरेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला होता है उसके पीछे आप क्या लगा देते हैं, 8, ठीक है, तो ये जिंक हेक्सा साइनो फेरेट, और इसमें पहले आप ये लिखते हैं, बाद में लिखते हैं नेगेटिव वाले में, यहाँ पॉजिटिव है ना, ये Zn2+ में होता है ना, तो यहाँ पर ये पहले जिंक का लिखेंगे और फिर बाद में आप ऋणायन का लिखेंगे, और जब धनायन इसमें ऋणायन है बाद में, तो पहले आप इसका लिखेंगे और ऋणायन का नाम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये देखिए एथिल एमीन की जब हम क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं,
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैथिल आइसोसाइनेट बनता है, KCl बाहर निकलता है और H2O, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया है जो एक टेस्ट होता है आइसोसाइनेट के लिए। तीव्र गंध आती है। एनिलीन की अभिक्रिया कराएं CsCl3 क्लोरोफॉर्म से तो यहाँ फेनिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो यहाँ दो रिएक्शन, कार्बिल अमीन किस किस के बीच की रिएक्शन है, एमीन्स और टोयामीन्स की रिएक्शन हो गई है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहल के साथ, यहाँ पर क्या बनता है आइसोसाइनाइड। CN तो होता है साइनाइड और NC हो जाता है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, एथेन नाइट्राइल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं। तो देखिए CH3CN4H की उपस्थिति में अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है एमीन बनता है। तो साइनाइड के अपचयन से क्या मिलते हैं एमीन्स और आक्षिक अपचयन से क्या मिलते हैं एमाइड्स मिलते हैं। यहाँ पूरा अपचयन हो रहा है, पूर्ण अपचयन, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट प्रबल अपचायक होता है। नेक्स्ट है सेक्शन डी। तो तीन सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं A, B, C। तो अब डी है, एक ही पदार्थ कोलोइड और क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है कैसे। तो देखिए अनेक विशेष यौगिक एक विलायक में क्रिस्टलोइड की तरह और अन्य विलायक में कोलोइड की तरह व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलोइड और कोलोइड में क्या डिफरेंस है, क्रिस्टलोइड में जो पार्टिकल साइज है वो कम होता है कोलोइड से। NaCl का जो जलीय विलयन होता है वो क्रिस्टलाब है अगर जल में देखें, और बेंजीन में ये कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। साबुन का जलीय विलयन कोलोइड है, जबकि एल्कोहलिक विलयन क्या होता है क्रिस्टलाब की तरह व्यवहार करता है। तो इनमें पार्टिकल साइज से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा बादलों के ऊपर लवण छिड़क कर की जाती है, समझाइए। तो बादल क्या है, कोलोइड विलयन है, ठीक है। बादल जो है वो क्या है, कोलोइड विलयन होता है, गैसेस होती है, पानी होता है, जल वाष्प होता है। इसमें जो जल के कण वायु में परिक्षेपित रहते हैं, ठीक है, जल के कण होते हैं वायु में परिक्षेपित होते हैं, जल वाष्प बनती है। तो हम जब लवण का छिड़काव कर दें तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा और जो पानी के कण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। जब कृत्रिम वर्षा करनी होती है तो क्या कर देते हैं, वहां पर जो लवण का छिड़काव कर देते हैं, जिससे वहां पर क्या होगा, लवण का छिड़काव करने से स्कंदन हो जाता है और जो पानी के कण वो अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया के दो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि विषमांग उत्प्रेरक अभिक्रिया में किस प्रकार सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप की विधि है, संपर्क विधि और ओस्टवाल्ड विधि। जो संपर्क विधि है ये वाली है और ये ओस्टवाल्ड विधि की इक्वेशन है। तो यहाँ पर SO2 और O2 V2O5 की प्रेजेंस में SO3 बन रहा है। ये इसकी क्या है, जो V2O5 है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड में, और ये सब गैस ही है। तो विषमांग मतलब दोनों की अवस्था अलग अलग होती है, क्रियाकारक की और उत्प्रेरक की। तो यहाँ पर भी ये क्रियाकारक उत्प्रेरक ये सॉलिड होता है। तो इस टाइप से जो V2O5 और PT है, विषमांगी उत्प्रेरण में गैसीय क्रियाकारक का रासायनिक अधिशोषण ठोस उत्प्रेरक की सतह पर दो भिन्न मार्गों के द्वारा हो सकता है, या तो अधिशोषित या विखंडित हो जाते हैं। तब घटक सतह पर रासायनिक अधिशोषित होते हैं, तो अधिशोषण मतलब एब्जॉर्ब होना सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर होता है, और जो प्रोडक्ट होता है लास्ट में वो विशोषित हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट, अथवा में आया है हार्डी शुल्जे नियम को लिखिए। तो किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती है, आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को हार्डी शुल्जे का नियम कहा जाता है। किसी कोलोइड विलयन का स्कंदन करने में वैद्युत अपघटे का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलोइड कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत प्रकृति का होता है। जो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है उनमें स्कंदन अच्छा होता है। दूसरी बात, जिनमें आवेश ज्यादा होता है, संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसका स्कंदन उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए आवेश ज्यादा है तो स्कंदन भी उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अणु संख्या गुणधर्म क्या है, इन गुणों का एक उदाहरण दीजिए। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, वो विलयन के वे भौतिक गुण जिनके मान विलयन के इकाई आयतन में, विलयन का इकाई आयतन में घुले हुए विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और विलय की प्रकृति अर्थात विलय की रासायनिक संरचना और रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करता। अणु संख्या मतलब नंबर पर डिपेंड करेगा कि कणों की संख्या कितनी है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। उदाहरण है हिमांक का अवनमन, तो ये हिमांक का अवनमन है, ठीक है। डिप्रेशन इन हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और हम एलिवेशन इन किस में बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में। ये सब किसके एग्जांपल है, ये आपके अणुसंख्या गुणधर्म के एग्जांपल है, परासरण दाब वाला, बाकी सभी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस को आवश्यक चित्र की सहायता से समझाइए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कोलोइड विलयन में जब दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव लगाया गया तो जो कोलोइड कण होते हैं वो विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर क्या कर जाते हैं, गमन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन, और इसका ये आप डायग्राम बना सकते हैं। तो जो पॉजिटिव की जो है आपके पास कैथोड, ये दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव पर कौन से जाएंगे, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव पर पॉजिटिव आयन गमन करने लग जाएंगे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको एक एक नंबर का है तो डायरेक्ट समीकरण लिखने। तो देखिए सबसे पहला
सबसे पहला आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग में क्या लेते हो आप, एल्किल हैलाइड के दो अणु और यहाँ पर एन ए से अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर टॉलुइन बनता है और 2NaCl बाहर निकलता है ईथर की प्रेजेंस में। दूसरा है आपका गाटरमान अभिक्रिया, तो यहाँ पर आपने लिया एनिलिन NaNO2HX की प्रेजेंस में, यह आपके क्या बन जाता है, बेंजिल हैलाइड्स बन जाता है। नेक्स्ट सैंडमेयर अभिक्रिया, तो सैंडमेयर में क्या होता है, यहाँ पर भी एनिलिन किस में चेंज हो जाता है, एल्किल। पहले यहाँ पर क्या बनता है, ये इस टाइप से एजोनियम N2X बनता है, N2 बाहर निकल जाती है और ये आपका हैलाइड्स, बेंजिल हैलाइड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट और यहाँ पर डार्जन अभिक्रिया, एल्कोहल की SOCl2 पिरिडिन जो किसका काम करता है, बेस का, RCl एल्किल हैलाइड बनता है, SO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसीय उत्पाद है, तो यहाँ पर बेस्ट यील्ड प्राप्त होती है किसकी, एल्किल हैलाइड की। नेक्स्ट निम्न के IUPAC नेम लिखने अथवा में क्वेश्चन आया है, तो इसका IUPAC नेम देखिए, 1,3-dichloro, 1,3-dichloro, क्यों 1,3-dichloro क्यों होगा, क्योंकि 1 यहाँ से आप 1 लेंगे 1 पर और 3 पर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1,3-dichloro-5-methylcyclohexane हो जाएगा। और इधर से आप इसका देखेंगे 3,5-dichloro, यहाँ से हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये 3,5, 3 पर और 5 पर क्लोरो है, 3,5-dichloro-pentane-1-oic acid, तो इस टाइप से हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेलोएरिन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हेलो एल्किन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन देना है। तो देखिए सबसे पहला संकरण में भिन्नता, हेलो एल्किन हो गया RX, मैं हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरिन में इस कार्बन पर sp2 संकरण होता है, तो S लक्षण किस में ज्यादा होंगे, sp2 वाले में, ठीक है, तो S लक्षण अधिक होने के कारण बंध लंबाई कम हो जाती है और बंध का टूटना कम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 संकरण कहाँ पर है, किसमें, हेलो एरिन्स में, तो वहां पर बंध का टूटना कम हो जाता है, इसलिए वहां पर प्रतिस्थापन नहीं होता। मेसोमेरी इफेक्ट देखें, प्लस एम प्रभाव के कारण हेलो एरिन के CX बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, प्लस एम लोन पे डोनेट करेगा तो द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, बंध की प्रबलता अधिक हो जाती है, इसके कारण भी बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है। ये सब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एरिल हैलाइड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फेनिल धनायन का कम स्थायित्व, अगर वो उसको हम निकाल भी देते हैं तो वह क्या बनेगा, फेनिल धनायन इस टाइप से, और इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अनुनाद नहीं होता तो इसलिए ये स्टेबल नहीं होता, और अधिक जो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक स्नेही, जो नाभिक स्नेही वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है, और इलेक्ट्रॉन धनी एरिन वाले की ओर जाने की संभावना कम होती है, क्योंकि पहले ही 3-3 pi bond है, तो इलेक्ट्रॉन धनी होती है, तो इसलिए उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि इनमें क्या होने लग जाता है, प्रतिकर्षण होने लग जाता है। तो इस टाइप से हमने RBSC के जो एग्जाम पैटर्न के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है, तो संभावना है अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको मिले और आपको इसका बहुत फ़ायदा हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।